मम्मी पापा मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, बोलो ना। मुझे सिद्धार्थ से शादी नहीं करनी। क्या साथ लग रहा है तुम्हें रिश्ता तोड़ना? बस कह दिया और हो गया, दोबारा से बात निकली नहीं और रिश्ता खत्म। आराम से अल्पा, आराम से, आराम से अल्पा, 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 अल्पा। डॉक्टर ने कहा था ना अपना ख्याल रखने को। पानी पियो, पानी पियो। क्या हुआ मम्मी को? पापा क्या हुआ है मम्मी को? आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? पापा प्लीज बोलिए ना, क्या बात है, क्या हुआ है मम्मी को? हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई टेंशन हो। टेंशन? बेटा तुम्हारी मम्मी दिल की मरीज है और डॉक्टर ने कहा है कि इनके दिमाग पर किसी भी बात का जोर नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों ने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे? मुझे माफ करना बेटा, तुम्हारी माँ ने मना किया था। मम्मी, मम्मी, छोड़ो मुझे, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, मत करो। मम्मी, मम्मी, I'm sorry, मैं तो मजाक कर रही थी मम्मी। पता नहीं सुबह सुबह मैंने क्या सोचा, it was a stupid joke मम्मी। मैं शादी करूंगी, मैं सिद्धार्थ से शादी कर लूंगी मम्मी। I'm sorry, मैं सिद्धार्थ से शादी कर लूंगी। शरीर पर और कोई चोट या घाव का निशान नहीं है। डॉक्टर इसका मुंह इस तकिए से दबा कर मारा है इसे। हाँ सर, चेहरा पूरा लाल पड़ गया है। सर पिछले 6 महीने में दुल्हन का 3रा खून है। हाँ निखिल, लगता है कोई दुल्हनों को शादी के वक्त ही मार रहा है। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्यों मार दिया किसी ने मेरी रिया को? हम लोग भी वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि आखिरी बार रिया को जिंदा किसने देखा था? सर, हम दोनों उसके साथ आखिर तक थे और हम रिया का मेकअप करके नीचे कुछ काम के लिए चले गए थे। तब तक रिया बिल्कुल ठीक ठाक थी? हाँ सर, वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद कमरे के अंदर किसी को जाते हुए देखा था? सर, हम लोग तो शादी की तैयारी कर रहे थे, हमें नहीं मालूम कि उसके कमरे में कौन गया था। हाँ सर, रिया की आंटी को मैंने उसके कमरे में जाते हुए देखा था। हाँ सर, उन्होंने कहा था कि उन्हें रिया से कुछ जरूरी काम है। कौन, रिया की आंटी कौन है? नेहा। नेहा कहाँ चली गई? नेहा अभी तो यहीं थी। घर में खून हुआ है, घर के सारे लोग यहीं पर है और नेहा कहीं चली गई। देखो ढूंढो कहाँ है वो। आप आइए मेरे साथ।
कान की बारी। इशिता, तेरा चेक करना दुल्हन के दोनों कान में बाली है। यस सर। सर, सर ये कान की बाली मिली है। रिया की तो नहीं? नहीं सर, रिया की नहीं। ये नेहा की है। कहाँ मिली है? सर, सर नेहा जी तो बाहर नहीं है। सर, यहाँ पे इस कारपेट के नीचे। इस कारपेट के नीचे? ओह नो, यहाँ नीचे कोई गिरा हुआ है। करण, एम्बुलेंस फोन कर जल्दी। रुके आप लोग। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? राव देख के लगता है कि ये ऊपर से ही गिरी है। और कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है सर। तो हो सकता है नेहा जी को किसी ने खिड़की से धक्का दे दिया। कुछ कह नहीं सकते ना खेला। इस बॉडी की पोजीशन देखो, लाश इस दीवार खिड़की के एकदम नजदीक पड़ी है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई खुदकुशी करने की कोशिश करता है। अगर किसी ने इसे धक्का दिया होता तो लाश दीवार से और दूर यहाँ पर कहीं पड़ी होती। सर, रिया को मारने के बाद इन्होंने अपनी जान क्यों ली? पकड़े जाने का डर। नेहा रिया के कमरे में गई, उसकी जान ली और उसके बाद उसे ऐसा लगा होगा कि उसने कोई गलत काम किया है, इसलिए खिड़की से नीचे कूद गई। या फिर ये नेहा किसी के दबाव में थी, किसी के कहने पे उसने रिया की जान ली और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। मगर सर, दबाव डाल कौन सकता है? शादी के वीडियोस और फोटोग्राफ्स ले लो, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। मर चुका। ये भी नहीं बचा। ये गाड़ी गेट से टकराई है और इन दोनों के सिर आगे यहाँ पे हैं। इनकी मेहंदी और चूड़ियाँ देखकर लगता है कि इनकी नई नई शादी हुई। पूर्वी, एक काम करो, दोनों बॉडीज को चेक करो, देखो कोई और चोट का निशान या घाव है क्या। पंकज, गाड़ी को सही से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। सर। अच्छा, अब ये बताइए कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये गाड़ी यहाँ टकराई किससे? साहब, मेरी बगल में पान की दुकान है साहब, एकाएक मेरी नज़र गाड़ी पे गई साहब। एकाएक गाड़ी आनी टेढ़ी चल रही थी साहब, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था गाड़ी को हो क्या गया है। लगता है सर गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं थी। हाँ सर, मैंने भी देखा था। अच्छा, याद करने की कोशिश कीजिए कि एक्सीडेंट से कुछ वक्त पहले इस गाड़ी के आगे पीछे कोई गाड़ी थी या कुछ अजीब चीज जो याद हो। सर, एक गाड़ी चल रही थी उसके आगे, लेकिन सर वो तो बहुत दूर थी। ओके। सर। हाँ। सर, सर पर लगी चोट के अलावा शरीर पर और कोई चोट का निशान नहीं। अच्छा। सर, गाड़ी के चारों टायर बराबर हैं और ब्रेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगर गाड़ी पूरी तरह से सही है तो फिर गाड़ी आड़ी टेढ़ी क्यों चल रही थी? निखिल, पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर वहां से प्ले करो जहां पर वो पेंट्री बॉय रिया की आंटी को सॉफ्ट ड्रिंक दे रहा है। ये पेंट्री बॉय ये इतनी देर तक क्या कर रहा है रिया की आंटी के पास? सर, ये तो नैपकिन की तरफ देख के कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
इस पेंट्री बॉय का पता लगाना पड़ेगा। पेंट्री बॉय? लेकिन सर इस पेंट्री बॉय की शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही, इस तक पहुंचेंगे कैसे? काम करो निखिल, पॉज करो और उस पेंट्री बॉय के हाथ पर जूम करो, है ना? उस पेंट्री बॉय के हाथ पर निशान है ना, पहुंच जाएंगे इसके पास। मुझे लगा था तुम अब भी मुझसे बहुत नाराज हो। सिद्धार्थ, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm sorry too। मैंने भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था उस दिन। नहीं, तुम सही थे, मैं गलत थी। एक बार सीआईडी ऑफिसर नहीं, एक आम लड़की की तरह सोचो, दिल का इस्तेमाल करो, उसकी आवाज सुनो। मेरे दिल में तो एक ही इंसान का नाम घूमता रहता है। श्रेया, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो? पूछो। दया और तुम्हारे बीच में कुछ है क्या? तुम्हारी मम्मी दिल की मरीज है। नहीं, मेरे और दया सर के बीच कुछ भी नहीं है, वो मेरे सीनियर हैं, बस। लेकिन अब से मेरी जिंदगी में हमारा ये रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। मगर ये रिश्ता मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने कुछ सोचा है इस रिश्ते को और मजबूत बनाने का। क्या? सगाई। क्या हुआ श्रेया, तुम तैयार नहीं हो? कोई बात नहीं, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम उतना समय ले सकती हो, लेकिन अपना डिसीजन मुझे जरूर बता देना। सिद्धार्थ, कब करनी है सगाई? जितना जल्दी हो सके। डेट फिक्स करके मुझे बता देना। एक मिनट वैभव, इसके चेहरे पर दोबारा इसे स्कैन करो, नाक एरिया के आसपास। और ये बात है, एक मिनट, ये बात है। वैभव एक काम करो, उस लड़की के चेहरे पर भी स्कैन करो, नाक एरिया के आसपास। और ये बात है। क्या बात है सर उनके? बस इन दोनों की मौत जहर की वजह से हुई है, इन दोनों की नाक के अंदर जहर के ट्रेसेस है। देखो ये देखो यार, नाक में जहर,
कैसे हो सकता है सड़ों के? आरोप साहब, क्योंकि इनकी कार में से तो हमें जहर जैसी कोई चीज नहीं मिली और ना ही इनके पर्स या इनकी पॉकेट में, कुछ भी नहीं। नाक में जहर आया कहां से होगा? गया कहां से इनके नाक में जहर? जहर कार में ही था। कार में था? लेकिन सर कार के अंदर हवा में जहर कहां से आ सकता है जबकि दरवाजे खिड़की से बंद थे? तो फिर एक रास्ता है। ये रंग चेंज हो गया, जहर यहां था बॉस। कार के खिड़की दरवाजे बंद थे, वेंट से जहरीली हवा बाहर आई, इन लोगों ने सांस ली, सांस के जरिए जहर इनके फेफड़ों तक पहुंचा, दोनों का दम घुटने लगा और इसी वजह से हस्बैंड कार को संभाल नहीं पाया और एक्सीडेंट हो गया। सर ये तो वाकई चौंका देने वाली बात है कि कोई कार के एसी में जहर लगाया। हाँ मगर किसी ने तो लगाया है ना जहर कार के एसी में, किसी ने तो लगाया। जल्दी करो फौरन, और इस बार कोई गड़बड़ की ना तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, समझे? अरे सुनिए, इस गैराज का मालिक कौन है जी? कहिए। हमें आपसे थोड़ी पूछताछ करनी थी। पूछताछ मुझसे? किस बारे में? और आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप याद करके हमें बताइए कि दो दिन पहले विनी जी की गाड़ियां आई थी GHY 8769 सर्विसिंग के लिए। जी हाँ सर, गाड़ी तो आई थी, उनका ड्राइवर मुन्ना लेकर आया था। शुरू से उनकी गाड़ी हम ही सर्विस करते हैं। कितना टाइम लगा था सर्विसिंग में? यही करीब 2-3 घंटे लगे होंगे बस। गाड़ी में कुछ और भी खराबी थी? नहीं मैडम, और तो कुछ खराबी नहीं थी। अच्छा, गाड़ी की एसी की सर्विसिंग भी आप ही ने की थी? नहीं सर, एसी सर्विस नहीं किया था। इंटरेस्टिंग। आप ये बताइए कि गाड़ी कितने बजे आई और सर्विसिंग के बाद गैराज से कितने बजे निकली थी? सर यही करीब 12 बजे के आसपास आए थे और 3 बजे के आसपास सर्विस करवा के ले गए थे। 3 बजे? जी सर। मगर विनय के पिताजी ने तो कहा था कि वो 6 बजे घर पहुंच गए थे। पंकज, ये गैराज उनके घर से 4 किलोमीटर दूर होगा लगभग, तो कोई जैसे भी गाड़ी चलाए उसे 20 मिनट या आधे घंटे में घर पहुंच जाना चाहिए था, 3-3.30 बजे तक। हाँ सर, और इस रोड पे तो ट्रैफिक भी नहीं होता। सर मतलब ये सब मुन्ना का किया था? हो सकता है पूर्वी। हेलो, क्या? ठीक है सर, मुन्ना का पता चल गया। ना जाने तुम लोगों को भागने का इतना शौक क्यों है। नहीं नहीं साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने क्या क्या किया है और क्या नहीं सब जानते हैं हम। अब साफ साफ बताओ, तुमने विनय की गाड़ी के एसी में वो जहर क्यों लगाया? सर वो मुझे किसी ने जबरदस्ती ये काम करवाया था। कौन था वो? मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और एक छोटी सी बोतल देते हुए कहा कि इसे गाड़ी के एसी में लगा देना। बोतल में क्या था? पूछा नहीं? पूछा था ना, पर उसने कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। जब मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मैं डर गया था साहब। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, नहीं। कहाँ चढ़ा हुआ था उसकी गाड़ी का? हाथ देखा था मैंने उसका। उस हाथ पे कोई निशान था? हाँ सर हाँ, यहाँ पर एक निशान था। गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? नहीं। हाँ सर हाँ। क्या? निकलते वक्त उसने ड्राइवर से कहा था कि गाड़ी मीरपुर की तरफ ले चलो। सर सर, जिन दुल्हनों को अब तक मारा गया है उनमें एक चीज कॉमन मिली है। वो क्या? सर लड़कियों के परिवार वाले 15-20 साल पहले दीनापुर नाम के गाँव में रहते थे। दीनापुर? हाँ सर। है कहाँ ये दीनापुर गांव? सर मुंबई से बाहर एक छोटा सा गांव है। सर इसका मतलब खूनी उन्हीं लड़कियों को मार रहा है
जिनके परिवार वाले दीनापुर से जुड़े हुए थे कभी ना कभी। 20 साल पहले ना गांव की 2 लड़कियों का कुछ गांव वालों ने शादी के मौके पे ही मार दिया था। ऐसा क्या किया था उन लड़कियों ने? प्यार किया था। अरे उनके घर वाले तो शादी के लिए तैयार भी हो गए थे, पर कुछ गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि शादी से गांव का माहौल बिगड़ता है। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने इन लड़कियों को मारा? गांव के 15-20 लोग थे, पर उन 2 लड़कियों को मारने वाले तो 4-5 लोग ही थे। उनके नाम थे एक तो संग्राम, एक महातम, एक विवेश, अवतार और एक गोरधन। ये लोग थे। सर, इनमें से तो 4 परिवार की बेटियों का खून हो चुका है थाने के। अच्छा, ये इन लड़कियों के परिवार वाले क्या अभी भी इस गांव में हैं? लड़कियों के माँ बाप तो इस सदमे से गुजर गए। लड़कियों का एक भाई था 7-8 साल का, चेतन, पता ही नहीं कहाँ चला गया वो। अब तक तो वो 27-28 साल का हो गया होगा, खून उसी ने तो नहीं किया। अजी, ये एक फोटो है जिसका चेहरा नहीं, लेकिन इसके हाथ पे ये कटे हुए का निशान है। ये तो चेतन ही हो सकता है। जब लड़कियों की शादी हो रही नहीं थी ना, तब तलवारें चली थी। वो अपनी बहनों को बचाने गया और तलवार उसके हाथ पर लगी, तभी ये निशान हुआ था। तो इसका मतलब खूनी इनका भाई ये चेतन ही है। चेतन है वो खूनी जिसने दीनापुर की उन 4 लड़कियों का खून किया। बदला लिया उसने अपने दोनों सगी बहनों के खून का बदला लिया। सर, हमारी जानकारी के हिसाब से उन सगी की बहनों के खून में 5 लोगों का हाथ था, जिनमें से 4 की बेटी को तो वो अपना शिकार बना चुका है सर। और सर, अगर इस 5वें परिवार में कोई बेटी है तो खून ही उसको अपना अगला शिकार जरूर बनाएगा। हाँ, अवतार है ना, महातम, विशेखा, गुरदान, संग्राम, 4 परिवार की बेटियों को तो वो मार चुका है, बचा है 1 परिवार। सर, हाँ कभी पता चला खूनी मीरपुर क्यों गया था? नहीं सर। सर, पर ये पता चला है कि मीरपुर में एक सामूहिक शादी होने वाली है, जिसमें से एक दुल्हन के माँ बाप 20 साल पहले दीनापुर में रहते थे। मतलब दीनापुर के परिवार की बेटी की शादी अब मीरपुर में है? तो क्या ये परिवार अब मीरपुर में रहता है? यस सर, ये परिवार वहीं रहता है। कौन सा परिवार है ये? सर, लड़की के पिताजी का नाम गोरधन है। गोरधन? गोरधन का परिवार? गोरधन की बेटी की शादी मीरपुर में? तो फिर अब चेतन जरूर आएगा मीरपुर गोरधन की बेटी को मारने के लिए। सब लोग अलर्ट रहना, हाथ पे नजर रखना। हाथ पे, उसके हाथ पे कुछ निशान है ना? और कितना टाइम है आप लोगों को अभी? बस 5 मिनट। सब कुछ ठीक है? जल्दी है, थोड़ा जल्दी। अरे भाई साहब। हाँ भाई साहब। कोई खबर? सर, कोई खबर नहीं सर। अलर्ट रहना, अलर्ट। कैसी हो बेटी?
सब ठीक है? हाँ सर, अब तक तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। हेलो तारिका, तुम ठीक हो? तारिका? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सब कैसे हुआ? हाँ, एक औरत आई, उसने घूंघट पहना हुआ था। मैंने उसे पूछा कि बाहर सब कुछ रेडी है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने एकदम से बड़ा खंजर निकाला, मेरे पे हमला करने की कोशिश की। मैं अपने आप को बचाने के लिए भागी, फिर फिसल गया और उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है। उसने ये सब हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। घूंघट के अंदर वो खून ही था। तुम ठीक तो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? वो तारिका पे हमला हुआ है। हाँ, वो खूनी यही गई है और वो औरत के भेस में भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। सिप साहब का फोन। हेलो। हाँ सर, हम तैयार हैं। हाँ, उन तीनों लड़कियों की जगह पे हमने तारिका, पूर्वी और श्रेया को बिठा दिया सर, और वो खूनी भी यहाँ है सर। हाँ, हम उसे पकड़ लेंगे सर। हाँ सर, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। ओके सर। श्रेया कहाँ चली? श्रेया, रुक जा।
रुक जा वरना ये लड़की आज काम से जाएगी। अरे दुल्हनिया जरा अपना चेहरा तो दिखा। अरे वाह दुल्हनिया वाह। वाह भाई वाह 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 क्या बात। ऐसी दुल्हन तो मैंने आज तक नहीं देखी लेकिन आज पूरी दुनिया देखेगी तुझे। तेरे इस तमाशे का वीडियो घर घर में देखा जाएगा और तू शर्म से डूब कर मर जाएगा। गलत गलत कहा तुमने। मुझे शर्म नहीं गर्व हो रहा है कि आज मैं उस मां के रूप में हूं जिसने इस दुनिया को जन्म दिया। उस बहन के रूप में हूं जो हर भाई की ताकत होती है। उस बेटी के रूप में हूं जो इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलती है। औरत कमजोरी का नाम नहीं ताकत का नाम है शक्ति का नाम है साहस का नाम है। अरे भाई देखो ये दुल्हन तो डायलॉग भी बोलती है और अब ये नाचेगी भी क्यों बसंती। सॉरी दया वंती दयावंती नाचेगी ना अपने इस वीर सॉरी अपनी श्रेया को बचाने के लिए। नाचेगा तो अब तू अपने इन साथियों के साथ मिलकर क्योंकि बैंड बजाने के लिए सीआईडी वाले आ गए। जरा पीछे मुड़ के देख CID? जी तो करता सबको यहीं गोली मार दूं और केस खत्म। पर क्या करें हमें ये सिखाया नहीं गया है। पकड़ो तेरी तो अभिजीत कोई बीच में नहीं आएगा। हाथ लगाएगा
दिल तो करता यही गाड़ दूं, लेकिन दोस्त ने मना किया है। तुझे औरत की ताकत देखना है ना, है? अब ये मेहंदी का हाथ तुझे हमेशा याद रहेगा। क्यों खेल रहा था मासूम दुल्हनों को मारने का घिनौना खेल? मैं उन पांच परिवारों की लड़कियों को मार रहा था जिनकी वजह से मेरी दोनों बहनें अपनी शादी के मंडप में मारी गई। उनकी टोली नहीं, अर्थी उठी थी हमारे घर से। सबको मारा मैंने, बस ये आखिरी तुम लोगों की वजह से बच गई है। पाप का घड़ा भर गया था तुम्हारा, कानून की मदद लेने के बजाय खुद कानून हाथ में लिया। सिर्फ फांसी होगी तुम्हें, फांसी। शेर ठीक तो है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जख्म ज्यादा गहरे तो नहीं? नहीं, ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी जख्म को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। खून भी ज्यादा निकल चुका है तो थोड़ी कमजोरी रहेगी, बट डोंट वरी, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी शेर, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर। वो मैं आई एम सॉरी, तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। प्लीज ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं थी सर। सर मुझे मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। I'm sorry sir, मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत हर्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। श्रेया, श्रेया तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सिद्धार्थ। मुझे अभी भी पता चला, मैं तो घबरा गया था। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये कहानी तो खत्म हो गई है अभिजीत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.